एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और हम आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं रनवन का। चू एनिंग जो है उसे अभी भी कुछ भी जो ये बोल रहा था ना हमारा मोरन, वो कुछ सुनाई नहीं देता और वो आराम से सो जाता है। मोरन भी जो है वो लेट हो रहा था, वो भी अपने बेडरूम की तरफ जाता है और जाके सो जाता है। मॉर्निंग होती है, एज यूजल वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट खाने मेंगपू हॉल में जाता है। मोरन जो था वो शिमी के साथ बैठा होता है और वहाँ पर शू मैंग भी आता है। जैसे ही वो देखता है कि मोरन जो है शीमे के साइड में बैठा हुआ है और एकदम से वो देखता है कि वो शीमे के पास, शीमे जो है सॉरी मोरन के पास जाके बैठता है। और यहाँ लाइफ एंड डेथ पीक में एक चीज़ थी कि ये लोग कभी भी किसी को मीट खाने से मना नहीं करते थे। यहाँ पर मीट, स्पाइसी फूड, हर तरीके का खाना जो है वो मिलता था, ताकि जो सेट के कल्टिवेटर टेक्निक्स हैं ना उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। मोरन जो है वो आराम से अपनी स्पाइसी फ्रेग्रेंट टी पी रहा होता है और आराम से वो जो है हमारे पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने खा रहा होता है, चॉप्ड वेजिटेबल खा रहा होता है, क्रिस्पी सोयाबीन्स खा रहा होता है और क्रिस्पी पैन फ्राइड बर्न्स भी उसके सामने रखे होते हैं, जिसे वो मज़े से देख रहा होता है और शीमे के थाली में परोस रहा होता है। शुमेंग जो है वो कहता है मोरन को कि मोरन, मुझे यकीन नहीं आता तुम मेरे सामने खड़े हो और तुमने रेड लोटस पवेलियन छोड़ दिया, मैं इंप्रेस हुआ। तो मोरन कहता है, फिर तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। शुमेंग कहता है कि तो कौन हो तुम, शिजुन ने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी, तुम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो, तुम एक अनियन की तरह हो। तो जो हमारा मोरन होता है वो कहता है, नहीं मैं स्केलियन हूँ। स्केलियन कहते हैं गाइस जो कच्चा अनियन आता है ना, जो छोटा कच्चा प्याज आता है उसे। और वो कहता है तुम कैसे हो। तो शुमिंग कहता है मैं शुगुन का चीफ डिसिपल हूँ। तभी वो कहता है क्या तुमने ये सब खुद को खुद से डिक्लेयर कर दिया कि तुम चीफ डिसिपल हो, क्या तुम्हें शुगुन ने कोई स्टैम्प पेपर पे सील लगा के दी है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे अपनी फ्रेम पे सॉरी अपने दीवार पे फ्रेम करवा लेना चाहिए कि तुम शुगुन के चीफ डिसिपल हो। यहाँ पर मोरन जो है शुमिंग का मजाक उड़ा रहा होता है। शुमिंग जो है गुस्से में आकर अपनी चॉपस्टिक को तो उसकी चॉपस्टिक को तोड़ देता है। शीमे तभी के तभी कहता है प्लीज लड़ना बंद करो और चुपचाप खा लो। शुमेंग जो है वो हम करता है और मोरन भी स्माइल करता हुआ हम करता है। तभी शुमेंग जो है वो गुस्से में हाथ टेबल पे मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी के तभी शीमेंग जो है उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है यंग मास्टर, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, चलिए हमें खाना खा लेना चाहिए और आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। शीमे बेचारा उन दोनों के बीच में पिस जाता है क्योंकि ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा अनोइंग थे। तभी शुमेंग जो होता है वो कहता है यंग मास्टर जो है ना उनकी मैडम, यंग मास्टर की जो मैडम की कैट है ना वो प्रेग्नेंट नहीं है। शुमेंग कहता है कि मदर को गलत फहमी हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, बस उसकी जो बेली है ना वो थोड़ी मोटी हो गई है। और शुमेंग जो है वो आंखों में ऐसे देख रहा होता है कि ये क्या बात हुई, मतलब पेट मोटा हो जाने से ये थोड़ी है कि कोई भी प्रेग्नेंट हो जाएगा। तभी मोरन कहता है सॉरी वो मोरन से पूछता है एरन क्या तुम्हें आज शिजुन के साथ कोई काम करने जाना है। तो मोरन कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे आज शिजुन के साथ कहीं जाना है, मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने आज सेक्ट के कॉपी भी करूंगा मैं जो भी रूल्स उन्होंने पनिशमेंट दी है। तो शिमे कहता है तुम्हें अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा क्योंकि तुम्हें जो है 100 times रूल्स लिखने हैं। तभी शुमे अपनी आँखें ऊपर उठाकर शिमे को देखता है और वो कहता है तुम्हें कब से ज़रूरत पड़ गई रूल्स को कॉपी करने की। शीमे जो है उसे एम्बेरसमेंट हो रही होती है क्योंकि आज से पहले उसे कभी भी इस तरह की पनिशमेंट नहीं मिली थी। तो वो जो है वो बताता नहीं है कि जो शिजुन है उसने उसे ये पनिशमेंट क्यों दी है। जो हमारे ये सारे लोग खा रहे होते हैं 1000 people वहाँ पे आराम से, तो वहीं पे चू वैनिंग जो है वो एंट्री करता है और सारे के सारे चुप हो जाते हैं। चू वैनिंग एक कॉर्नर में अपनी सीट लेता है और वहाँ बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तभी शीमे सॉफ्टली कहता है आपको लगता है शिजुन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मोरन कहता है क्यों। तभी वो कहता है देखो ना वो कैसे कॉर्नर में अकेले बैठ के खाते हैं और जब भी वो खा रहे होते हैं सारे के सारे चुप्पी साथ लेते हैं और सच में उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है जो उनसे बात कर सके। मोरन कहता है उसे वही मिल रहा है जो वो लोगों से चाहता है। शुमेंग गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिजुन का मजाक उड़ाने की। मोरन जो है वो कहता है मैंने कहा मजाक उड़ाया, मैं बस सच्ची तो बोल रहा हूँ और वैसे भी शिजुन एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनका गुस्सा हमेशा जो है उनकी नाक पे चढ़ा रहे। तभी शुमेंग को गुस्सा आता है कि उसकी शिजुन की बुराई हो रही होती है तो वो कहता है तुम। तभी मोरन जो है वो शुमेंग से स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं जाके शिजुन के साथ बैठ जाते और उनके साथ खाना खा लेते। शुमेंग साइलेंट हो जाता है क्योंकि शुमेंग जो था वो भी कहीं ना कहीं शिजुन से काफ़ी डरा करता था कि और वो गुस्से में आकर ना जो टेबल होती है उसकी जो सपोर्ट के लिए टांग होती है उस पर जोर से लात मार देता है और वो गुस्से में किलस रहा होता है क्योंकि शिजुन के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ भी बोलने की। शीमे जो था वो राइट था कि चू एनिंग बेचारा बहुत ही पथेटिक कंडीशन में होता है जो कि अकेला बैठकर अक्सर खाया करता था। तभी चू एनिंग जो है वो उन्हें नहीं बताता कि उन्हें रेड लोटस पवेलियन में जाना है। मोरन डेली जो है अपने डिशेस यानी कि अपने बर्तन धोया करता था, चिकन्स को खाना खिलाता था, डक्स को भी खाना खिलाता था और मैडम वांग जो थी
उसके गार्डन में जाकर हर्ब्स भी चुना करता था और वो ऐसे अपनी लाइफ बिताता है और एक पीरियड निकल जाता है। तभी आज मैडम वांग जो है वो मोरन को देखती हैं जो कि तानशिया हॉल में आया होता है और वो धीरे से जो है उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, एरन तुम्हारे वाउंड्स क्या ठीक हो गए? मोरन स्माइल करते हुए कहता है, आपको उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। वो कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम केयरफुल रहोगे फ्यूचर में और अब कोई भी ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं करना और अपने शिजुन को अपसेट भी मत करना। तभी मोरन कहता है, मुझे पता है आंटी। तभी मैडम वांग कहती है, एक और बात, एक साल हो गया है तुम्हें यहाँ पर रहते हुए प्रैक्टिस करते हुए और अब कल जो है तुम्हारे शिजुन ने एक पीजन के थ्रू लेटर लिखा था कि अब तुम्हें डीमन रिमूव करने के लिए नाइट हंट के लिए जाना चाहिए और अपने टास्क को अपने टास्क को तुम्हें कंप्लीट करना चाहिए। लाइफ डेथ पीक का एक रूल था, जब एक डिसिपल वहाँ पर एक साल से ज़्यादा रह लेता है तो उसे जो है वो डिस्पल डीमन को डिस्पल करने के लिए यानी कि डीमन्स को मारने के लिए डीमन्स का आमना सामना करने के लिए भेजा जाता था और यहाँ पर डिसिपल्स के मास्टर जो थे वो उनके साथ जाया करते थे ताकि वो डीमन को रिमूव कर सकें इस मिशन में और वो अपने अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाया करते थे और लॉयल्टी जो थी वहाँ पर लेसन थी। लाइफ एंड डेथ चेंजेस, किसी को भी लाइफ और डेथ जो है वो बदल नहीं सकता था, किसी की भी लाइफ और डेथ बदल नहीं सकती थी लेकिन लाइफ जो है बदल ज़रूर सकती थी इन चीज़ों से। मोरन की आँखें खुशी से झूम जाती हैं क्योंकि जैसे उसे पता चलता है कि वो उसे अब एक नाइट हंट के लिए जाना होगा जहाँ पर वो जो है डीमंस को मार सकेगा। तभी मैडम वांग उसे कहती है, एरन, मोरन को प्यार से एरन कहा जाता था और कहती थी, तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम फेमस बैटल में पार्टिसिपेट करो और तुम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एल्डर यून हैंग जो है यानी कि जो चू एनिंग है उसका हाई लेवल कल्टिवेशन है, इसलिए तुम्हें उस जैसे रूथलेस फाइटर बनने की ज़रूरत है और उसे साथ ले जाने की ज़रूरत है ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको और तुम्हें इतना ज़्यादा उनके साथ मतलब भिड़ना नहीं है और अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने ओपोनेंट को। तभी मोरन कहता है, नहीं नहीं डोंट वरी आंटी, मैं जो है अपनी रक्षा खुद से कर सकता हूँ और बस आप मेरा सामान पैक कर दीजिए फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तभी मैडम वांग जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये बच्चा भी ना, वो काफ़ी हैप्पी थी कि उसके जो मोरन उसका जो भतीजा या भांजा है वो अब चीज़ों को लेके सीरियस हो रहा है और मोरन जो है वो हैप्पी है ये काम करने के लिए। और डीमन रिमूवल मिशन जो था उसके अंकल ने उसे काइडी टाउन में जाने के लिए या साइडी टाउन में जाने के लिए बोला था जिसमें एक क्लर्क रहता होता है जिसका नाम होता है चेन। ये लोग वहाँ पर घोस्ट को देखने के लिए और उन्हें हंट करने के लिए जा रहे होते हैं और साइडी टाउन जो होता है वो डीमन से भरा होता है और वहाँ पर लोगों के जो लोग थे ना वो उनके माइंड एकदम ख़राब हो चुके थे। वो और इसे याद आता है कि उस टाइम पे ना जब ये उस जगह जाता है तो वहाँ पर ना एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है और तब जब ये इसका माइंड उस डीमन के वश में हो गया था तब इसने शीमे को पिछले जन्म में किस किया होता है वहाँ इल्यूजन में। और फ्यू टाइम ये उन फ्यू टाइम्स में से था जब पिछले जन्म में शीमे की मौत से पहले ये पहली बार उसके करीब आया हो जो कि इसके लिए सोल क्रशिंग भी था क्योंकि इसके बाद ये शीमे के कभी करीब इतना नहीं आ पाया था। और शीमे जो था वो अगर ये ऐसे डीमन के बहकावे में आकर उसे किस कर देगा तो शीमे जो है वो इसे जेन्युइन ही समझेगा और इसे गलत वे में नहीं लेगा। मोरन की आंखें कहीं ना कहीं खुशी के मारे कर्व हो रही होती हैं कि इसकी और शीमे की यहाँ पर पहली किस होगी और वो इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को किसी भी एंगल से नहीं गंवाना चाहता था। वो इनवाइट करता है शिजुन के साथ साथ शीमे को भी अपने साथ चलने के लिए और वो लोग उस इविल टाउन में जाते हैं जो कि साइडी में था और वहाँ पर वो पूरा टाउन बहुत सारे मतलब फ्लावर से भरा हुआ था फूलों से और फूलों की फील्ड जो थी वो ना जाने कितने डजन माइल तक खिंची हुई थी जहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल उगा करते थे और यहाँ पर बटरफ्लाइज भी बहुत सारी उड़ा करती थी उसके आसपास। यहाँ पर कलरफुल ना जाने कितने प्रकार के बगीचे थे फूलों के और ना जाने कितनी अच्छी खुशबू आया करती थी। एक रात वो तीनों के तीनों उस विलेज में पहुँचते हैं जहाँ पर ड्रम्स और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और म्यूजिशियन जो थे वो लाल कपड़े में तैयार होकर खड़े थे। तभी शीमे पूछता है, क्या यहाँ पर वेडिंग हो रही है और वो भी रात के समय? तभी चू एनिंग कहता है, ये एक घोस्ट मैरिज है, घोस्ट मैरिज यानी कि यन मैरिज और ये पोस्ट डेथ मैरिज हुआ करती थी जो कि अनमैरिड मैन और वुमेन के बीच जो कि मर चुके हैं उनके बीच एक कस्टम हुआ करता था। ये प्रोमिनेंट तो नहीं था पुअर जो गरीब रीजन है उनके लिए लेकिन जो साइडी टाउन है वहाँ पर बहुत सारे वेल्दी लोग रहते थे और वो इस तरह की शादियाँ रखा करते थे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जिनकी शादी नहीं हुई और वो उससे पहले ही मर चुके हैं उन लोगों के लिए। ये रिचुअल बहुत ही अजीब सा लगता है लेकिन वो इस चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पे किया करते थे और वो रेड सिल्क साटन जो है अपने साथ कैरी करते हैं दो रो में और वो पेपर मनी को भी जलाया करते थे। वहाँ पर रेड और वाइट 8-person सेडान चेयर को उठाए हुए थे और गोल्डन लैंप लगे हुए थे जिसके आगे मोरन जो है वो हॉर्स की जो
हॉर्स का जो वो रस्सा होता है उसे पकड़ता है, खींचता है, और वो कोशिश कर रहा होता है कि वो साइड में चले, वो इस घोस्ट मैरिज के जो ये जो सेरेमनी हो रही थी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो नोटिस करता है कि जो ये कैरेज है ना इसमें कोई मतलब जिंदा इंसान नहीं बैठा हुआ, बल्कि ये घोस्ट ब्राइड इन्होंने पेपर की बनाई हुई है और उसे रखा हुआ है, और उस पर ही इन्होंने लाली पाउडर पोथा हुआ है। उसके चीक्स भी बहुत अजीब से कर रखे हैं, और वो कहता है ये कैसा बकवास ट्रेडिशन है, वो यहाँ पर मनी पैसे फूक रहे हैं, वो भी इस तरह के पेपर डॉल के लिए। चो एनिंग कहता है ये पीपल जो साइडी टाउन के हैं वो बहुत कंसर्न होते हैं अपनी जियोमेंसी आर्ट को लेके, और उनका बिलीव था कि कोई भी बंदा जो ग्रेव में रह रहा है उसे लोनली नहीं रहना चाहिए, उसके पास फैमिली और फॉर्चून होना चाहिए ताकि वो लोनली घोष ना हो। तो वो मन में कहता है सच में ये लोग ऐसी चीज़ों को मानते हैं कि जो बंदा बिना शादी के मर गया उसकी शादी करवा दो दूसरी भूतनी से, ये क्या बकवास ट्रेडिशन है। और सैडी टाउन जो है यहाँ पर 1000 सालों से है और वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, और अगर आप उन्हें कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता तो वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। तभी शीमे कहता है ये घोस्ट मैरिज प्रोसेशन कहाँ जा रहा है। चुवेनिंग कहता है हम जहाँ से आए हैं उधर एक अर्थन टेम्पल था, ये लोग टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड किसी गॉड या बुद्धास को नहीं है। तभी ये वर्ड सुन के उनको बहुत अजीब सा लगता है, वो गुड फॉर्चून के अंडर आता है और वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। वो नोटिस करता है कि वो टेम्पल जो है, शीमे पूछता है कि मैंने उस टेम्पल को आते हुए देखा था शिजुन, शिजुन क्या वो सेरेमनी घोस्ट टेम्पल है। तो वो कहता है वेरी गुड, तुमने सही पहचाना, वो एक घोस्ट टेम्पल है, और जो सेरेमनीज के घोस्ट थे ना वो फोक इमेज उनकी वहाँ पर टंगी होती है, और वो घोस्ट के गॉड होते हैं जिनके यहाँ जाकर ये लोग 3 मैच मेकिंग करते हैं जिसमें 6 तरीके के ब्राइडल गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया जाता था, और विटनेस होते थे ये लोग 2 पीपल की मैरिज के। तभी वहाँ पर कस्टम जो है घोस्ट मैरिज का वो साइडी टाउन से गोल्डन स्टैचू की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो मोरन है ना उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही बकवास लग रही होती है कि ये कैसा ट्रेडिशन है मरने वालों की क्या शादी करानी। वो सोचता है कि चलो हमें जो है वो आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहाँ पर 3 कल्टीवेशन मास्टर जो हैं वो चल रहे होते हैं, और एक आदमी कहता है कल्टीवेशन मास्टर्स मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा झंड हो गई है, और आप यहाँ हैं और यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है कोई भी इस बारे में जो है वो कंसर्न नहीं होता। और वो जो पर्सन था वो मिस्टर चैन था, मिस्टर चैन की फैमिली जो है वो एक इंसेंस पाउडर का बिजनेस करती थी, यानी कि खुशबूदार आप कह लो धूप वगैरह का बिजनेस करती थी या चंदन की जो है खुशबू वाला पाउडर का, और उसके 4 सन थे 1 डॉटर थे, और उसका एल्डर सन जब उसकी शादी हुई तो उसकी वाइफ को कुछ आवाज़ें आया करती थी, वो दोनों अलग जाके रहने लगे, और एक दिन उसका जो बड़ा बेटा था वो मारा गया और उसकी बहू भी उसी तरह से मारी गई। तब जब ऐसा हुआ उसकी जो एल्डर डॉटर इन लॉ थी वो मारी गई, उसके बाद वहाँ पर ना जाने ये मौतों का सिलसिला शुरू होने लगा। साइडी टाउन जो था वो एक बरियल ग्राउंड पे बना हुआ था, वहाँ पर मरने के बाद टाउन में रेजिडेंस जो था वो सारे के सारे आपस में वहीं दफना दिया करते थे लोगों को, और वहाँ पर लोनली कॉफिन हुआ करते थे नॉर्थ माउंटेन में। वहाँ पर कोई भी ग्रेव या मॉन्यूमेंट नहीं था, सिर्फ वुड के कॉफिन थे जिन पे ब्लड रेड कलर से पेंटिंग हो रखी थी। वो लोग कहते हैं जो हमारी बहू थी ना जो फर्स्ट डॉटर इन लॉ थी वो बहुत ज़्यादा डरा करती थी, और इससे उसे लगता था कि उसके फर्स्ट बेबी पे अफेक्ट भी हुआ और उसका मिसकैरेज भी हुआ। और लेटर मेरा एल्डर सन था ना वो माउंटेन में कलेक्ट करने गया था मेडिसिन और अपनी वाइफ को हेल्प करना चाहता था ताकि उसके तभी उसके जो पैर थे वो स्लिप हो जाते हैं, वो बॉटम में गिर जाता है माउंटेन के, और तब भी वो सांस ले रहा होता है, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। इस आदमी को भी अपने बेटे के बारे में बताते हुए बहुत रोना आ रहा था। फिर मैडम चैन आती है और वो अपने पति के और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ महीनों पहले हमारे सन जो थे वो एक्सीडेंटली एक एक करके सारे के सारे मिस होते गए और सबने अपनी अपनी जानें गंवा दी। मेरे 4 सन जो थे उनमें से 3 बच्चे तो मेरे चले गए हैं। चुवेनिंग जो है आँखें उठाकर देखता है कि 4 में से 3 बच्चे मर गए, और वो कहती है शीमे कहता है कि प्लीज़ हमें बताएं कि आपके चिल्ड्रन कैसे कैसे मिस होने लगे थे, कैसे कैसे गुम होने लगे थे। तभी वो कहती है मेरा जो सेकंड चिल्ड्रन था ना वो अपने ब्रदर को ढूंढने गया और उसे एक स्नेक ने काट लिया। स्नेक जो था वो ऑर्डनरी ग्रास स्नेक था, उसमें इतना जहर नहीं था, लेकिन 1 हफ्ते बाद उस पर वो जहर का असर आने लगा और वो एकदम से गिर गया जब वो खाना खा रहा था, और मेरा बच्चा फिर ये समझ ही जाते हैं कि वो मर गया होगा। शीमे जो है वो धीरे से उस लेडी को कंसोल करने के लिए कोशिश करता है, और वो कहता है फिर आपको उस बॉडी में पॉइजन का निशान दिखा कहीं। वो कहती है हमें नहीं पता कि पॉइजन कहाँ से आ रहा था और उसे कैसे बचाव किया जा सकता था, और मेरे फर्स्ट फ्यू सन जो थे वो वैसे भी जा चुके थे, और नेक्स्ट वन जो है अब मेरा यंगेस्ट सन 4th सन बचा है जो कि सबसे ज़्यादा यंग है इस वक्त। जो एनिंग जो है उसकी आँखें
खड़ी होती हैं और वो कहता है, आपको कैसे पता कि आपके यंगेस्ट सन ही नेक्स्ट टारगेट हैं, क्या पता वो टारगेट आप भी हो सकती हैं, क्या ये घोस्ट सिर्फ मेंस को मारता है। तभी उसके यंगेस्ट सन जो होते हैं चैन फैमिली का, वो वहाँ पर आता है, उसकी लेग्स जो हैं वो ट्रेवल करने लगती हैं क्योंकि वो देखता है जो पर्सन रेड कॉफिन में था वो यहीं पे है, और वो मन में सोचने लगता है ये मैं ही हूँ, अगला बारी जो आएगी वो मेरी आएगी। चू वेनिंग जो है वो कॉन्टैक्ट करता है मैडम और मिस्टर चैन को और कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर। तभी वो कपल एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं ये प्लेस जो है वो दाओस मास्टर, आप समझ सकते हैं यहाँ पर रिवील स्पिरिट है। चू वेनिंग कहता है कहाँ, वो लोग जो है वो पॉइंट आउट करते हैं एक श्राइन रूम की तरफ जो कि एंसेस्टर्स का हॉल था, और वो कहते हैं वहाँ। तभी मोरन शीमे जो हैं वो चैन फैमिली के पीछे पीछे चलते हैं और वो एक डोर खोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल सिग्नल्स लगे हुए थे। टेबल पे एक पेंटेड येलो कलर का नेम प्लेट थी मरने वाले की, और पोजीशन जो थी वो फैमिली की तरफ रखी गई थी, और ये स्पिरिट टेबल पे जो लिखा हुआ था वो एंचेस्टर को दर्शाता था। वो येन यांजी का नाम जो था वहाँ पे स्पिरिट जो है वो आई होती है, मास्टर चैन शंशी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। तभी चैन फैमिली जो है वो छुप जाती है तायोस चीफ के पीछे, और वो लोग एंचेस्टर हॉल में देखने लगते हैं। वाइट सिल्क कलर के जो पर्दा होता है वो उड़ने लगता है, और वहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो हैं वो खून से लिखे जा रहे होते हैं टेबल के ऊपर, और सडनली सब चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। मिस्टर चेन जो है वो अपनी यंगर सन का फेस देख रहे होते हैं जो कि एक कॉप्स की शक्ल की तरह दिख रहा था, और ये जो मेमोरियल टेबल थी ना वो पहले बहुत इम्प्रॉपरली, और सेकेंडली कि उसके करेक्टर जो थे वो टेबल पर बहुत ज़्यादा क्रूक थे, ट्विस्टेड थे। तभी शीमे जो है वो टर्न होकर कहता है ये चेन यांजी कौन है। तभी जो यंगेस्ट सन है ना चेन फैमिली का, वो रोने लगता है और कहता है ये मैं हूँ। तभी मिस्टर चेन जो है वो चिल्ला के कहते हैं दाउस ये जो भी हो रहा है ना ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है सिंस जो सेकेंड एल्डेस्ट था ना वो वहाँ गया था और उसने कुछ डिस्कवर किया था। वो एक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल साइन था एंचेस्टर टेम्पल में, और वो जो साइन था ना वो एक्चुअली नेम था एक लिविंग पर्सन का इन आवर फैमिली। और जैसे ही जैसे वो नेम दिखता गया विद इन 7 डेज जो पर्सन था वो सफ़र करता था मिसफॉर्चून को, और अब यंगेस्ट का नेम उस पर दिखा रहा है टेबल पर। तो मैं इस घर को बंद करके जाना चाहता हूँ और डोर को कवर कर देना चाहता हूँ ताकि इंसेंस एशेज के साथ मैं इन सब चीज़ों को बंद करना चाहता हूँ, और मैं पीपल को बुलाना चाहता हूँ जो यहाँ पर आकर मंत्र बोल सकें और हर चीज़ ट्राई कर सकें, क्योंकि 7 डे पे वो भी मर जाएगा बिना किसी रीज़न के जैसे ये सारे मारे गए हैं। तभी वो एकदम से नीचे बैठता है पैरों घुटनों के बल और बोलता है मैं चैन जो है उसने कभी भी लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया और किसी को हर्ट नहीं किया, तो गॉड आप मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बचाइए। तभी शीमे की आवाज़ आती है और वो एकदम से कन्फ्रंट करता है, कंफर्ट देता है क्राइंग ओल्ड मैन को, और एकदम से वो सिर उठाता है और चलाता है शिजुन देखिए इस साइड। चू वेनिंग जो है वो अभी मुड़ा भी नहीं था, वो अभी स्पिरिचुअल साइन को देख रहा था, लेकिन उसे एकदम से एक इंटरेस्ट आता है वहाँ पर एक फ्लावर जो है वो ब्लूम होता है और स्पिरिट साइन देता है। तभी चू वेनिंग कहता है मास्टर यांग चेंग शंशी जो बात कर रहे हैं वो मैडम चेन के बारे में कर रहे हैं क्या। तभी के तभी ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन है एक्चुअल मर्डर और स्पिरिट किसको मारना चाहती है और कौन होगा उनका अगला शिकार, और क्या होगा इस सिटी में जहाँ पर डीमंस जब हमारे मोरन का माइंड कंट्रोल कर लेंगे, क्या वो शीमे को किस करेगा या गलती से कर बैठेगा अपने ही शिजुन को किस। थैंक यू, आगे के जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।